देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूँ इकरा शहजाद। तो सदाब से है दुनिया हेडलाइंस पर। सुरबत में जेयूआर से किरानुमा इस्माइल बुलेदी की गाड़ी पर फायरिंग, भतीजा जख्मी। इस्लामाबाद में सिकंदर की फायरिंग, पुलिस का कहना है कि मुल्जिम को जिंदा गिरफ्तार करने की हिदायत मिली थी। इंक्वायरी कमेटी ने बयानात कलम बंद कर लिए, इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। कराची पुलिस ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मौका जाया कर दिया। शेख खान मसूद की नमाज जनाजा में 100 से जायद मतलूब दहशतगर्दों ने शिरकत की। एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि अगर बरतानवी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे तो मुतहदा के कारकुन घबराए नहीं, डटे रहें, उनका कायद बेकसूर है। वजीर इत्तला शर्जील मेमन का कहना है कि पंजाब में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला गैर जमहूरी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कराची पहुंचकर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लाहौर में बारिश से बोसीदा मकानात की छतें गिरने के मुख्तलिफ वाकियात में 3 अफराद जान बहक। दरिया रावी की सतह बुलंद होने पर नशेबी इलाके खाली करने की हिदायत। महकमा सेहत पंजाब ने शेखुपुरा को डेंगू के लिए हसास करार दे दिया। इंतजामिया ने इजाफी फंड और अमला मांग लिया। और ब्राजील में निजी हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर की आलमी नुमाइश शुरू हो गई।